जनपद में इन दिनों बस्ती पुलिस का इकबाल अपराधियों के लिए काल बन गया है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर ने अपराधियों की नींद हराम कर दी है। आलम यह है कि शातिर से शातिर अपराधी अब अपनी जान बचाने के लिए खुद थाने में पहुंच रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कलवारी और छावनी थाना क्षेत्र के 3 इनामी और हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने हाथ में तख्ती लेकर पुलिस से अपनी जान की भीख मांगते हुए वो नजर आए और कहा, साहब मुझे गोली मत मारो, मैं खुद सरेंडर कर रहा हूँ। दोपहर में छावनी थाना क्षेत्र में हाईवे पर एक हफ्ते पहले प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर 25,000 के इनामी वांटेड अपराधी विशाल दुबे पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, मगर उसकी सारी मंशा पर पानी फिर गया और कोर्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। मजबूरी में विशाल दुबे ने छावनी थाने के थानेदार को बुलाकर कहा, साहब मुझे गिरफ्तार करो। हाथ में तख्ती लेकर विशाल ने खुद आत्मसमर्पण कर अपनी जान बचाई। विशाल दुबे ने सरेराह एक शख्स को गोली मारी थी। उसके 3 साथी पुलिस एनकाउंटर में पकड़े जा चुके हैं और विशाल वांछित चल रहा था, जिसने खुद एनकाउंटर से बचने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने आए थे, क्या हो गया, क्यों आत्मसमर्पण कर रहे थे? इनके घर बराबर पुलिस दबिश दे रही थी, स्थानीय थाना छावनी की पुलिस दबिश दे रही थी। घटना के समय कथित घटना के समय ये बता रहा था कि हम इलाहाबाद हैं। इसको जब जानकारी हुई रिश्तेदारों के यहाँ छापा पड़ने लगा तो हमारे संपर्क में आया, तो हमने कहा कि सरेंडर अप्लीकेशन डाल के आपको सरेंडर करा देंगे। कल ये बस्ती आया था, कल हमने सरेंडर अप्लीकेशन न्यायालय में दिया। आज की 1:30 लगी थी, लेकिन पुलिस वाले जानबूझ करके ये बताए हमसे कि जो है रिपोर्ट आ रही है, और जानबूझ करके न्यायालय पर रिपोर्ट नहीं भेजी है। और यहाँ पर जगह जगह क्राइम ब्रांच और प्राइवेट आदमी को लगा रखी है, इसकी गिरफ्तारी की है। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या सौंपने जा रहे हैं पुलिस को? अब हम यही कर रहे हैं कि हाफ इनकाउंटर से तो हमारा मौका बच जाएगा, नहीं तो पुलिस गिरफ्तार यहाँ करेगी, रास्ते में पकड़ लेगी तो कहीं इनका हाफ काउंटर कर देगी या इनकाउंटर भी कर सकती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे वकील सन के बीच में उनको बुला करके जरिए मीडिया के तहत उनको समझ दिया जाए कि ये अगर वांटेड है तो इसको ले लें। क्या नाम है और किस मामले में ये वांछित चल रहे थे? इनका नाम है विशाल दुबे। ये मामला है 307/506 IBC का, क्राइम नंबर है 156/2022। वहीं कलवारी थाने के भी 2 अपराधी अपनी जान की पुलिस से दुहाई देते हाथ में तख्ती लेकर आत्मसमर्पण करने पहुंचे। लूट छिनती और चोरी का गिरोह चलाने वाले वांछित 2 अंतरजनपदीय बदमाशों ने थाने में आकर आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। इस गैंग के 2 सदस्य गुरुवार को ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। पुलिस का दावा है कि दोनों गैंगस्टर अपने परिवार के सदस्यों के साथ थाने पहुंचे। खुद ही दोनों ने बताया कि वो गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित हैं, एनकाउंटर के डर से थाने पर हाजिर हो रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि थाने पर यूपी के गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी सोनू और चंदन ने आत्मसमर्पण किया। एक दिन पहले इसी गैंग के 2 अन्य आरोपी राजकुमार वर्मा और विपिन यादव ने अपने परिजनों के साथ थाने पर पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था। गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियोग में वांछित चल रहे 4 अभियुक्तगण, जो कि जनपद अम्बेडकर नगर के रहने वाले, जिनके लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी, इस पर उनके द्वारा थाने में स्वयं आकर के आत्मसमर्पण किया गया है। इनके द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर और जनपद बस्ती में लूट की घटनाएं कार्य की गई थी और उनके द्वारा 2, इसमें राजकुमार और विपिन ने 2 जून को आत्मसमर्पण किया तथा सोनू और चंदन ने 3 तारीख को आत्मसमर्पण किया थाने में।